हेलो दोस्तों, केपी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कंचन प्रजापति, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे अपने समय को बचाना है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों, कोई आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये घड़ी की सुई की आवाज़ है जो कभी भी रुकने वाली नहीं है। दुनिया की हर चीज़ रुक सकती है, लेकिन टाइम कभी भी नहीं रुक सकता। टाइम फ्री तो है, लेकिन प्राइसलेस है। आप टाइम को ख़रीद नहीं सकते, लेकिन उसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने इस टाइम को अभी खो दिया तो कभी भी दोबारा नहीं पा सकेंगे। तो दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको यह तो पता होगा, टाइम इज़ इक्वल टू मनी। हम टाइम की वैल्यू को कंपेयर करते हैं मनी की वैल्यू के साथ, लेकिन जब भी मनी की बात आती है, जब भी पैसों की बात आती है, तो हम बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं। यदि हमें 10 रुपये भी खर्च करने हैं तो उसके लिए भी हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जब बात आती है टाइम की तो हम इतना क्यों नहीं सोचते? क्यों ये सोचते हैं कि अभी आज का दिन है, कल है, हफ्ते पड़े हैं, महीने पड़े हैं, साल पड़ा है, ज़िंदगी पड़ी है? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि टाइम भी बहुत ही कम है हमारे पास? हम मनी की वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि मनी हमारे पास, पैसा हमारे पास कम है या फिर होता ही नहीं है, इसलिए हम पैसों की वैल्यू ज़्यादा करते हैं टाइम की वैल्यू के मुकाबले। यदि आपको ये लगता है कि टाइम आपके पास बहुत है, तो आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जैसे कि कुछ साल पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि उनके पास टाइम बहुत है। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि पैसा टाइम से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो मेरा मानना है कि टाइम सबसे बड़ा है। हम टाइम से तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से टाइम नहीं कमा सकते। हमारी ज़िंदगी का एक सेकंड भी गुजरा हुआ हम 1 अरब रुपए भी देकर भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए हम टाइम से पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसों से टाइम कभी नहीं कमा सकते। अब कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं, लेकिन भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। कोई उसका सही यूज़ कर लेता है और आगे बढ़ जाता है, और कोई उसकी वैल्यू को ही नहीं समझता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। तो टाइम की वैल्यू को समझें, उसे किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर ना करें। पैसे तो आप कमा सकते हैं, लेकिन टाइम यदि चला गया, आपने टाइम को गवा दिया, तो वो कभी भी लौट के आने वाला नहीं है। वक्त तो सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती फिर से वक्त बदलने के लिए। जिस तरह गलत जगह पर पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, उसी तरह गलत जगह पर टाइम लगाने से ज़िंदगी टूट जाती है। इन्वेस्ट वहाँ करिए जहाँ से रिटर्न आए, फिर बात चाहे क्यों ना इमोशंस की हो, या पैसे की, या फिर टाइम की। टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमेशा टाइम की वैल्यू को समझें। टाइम की वैल्यू को मनी की वैल्यू के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि पैसे हम कमा सकते हैं। हम टाइम के साथ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से हम टाइम को नहीं खरीद सकते या फिर टाइम को नहीं कमा सकते। इसलिए अपने समय को बर्बाद ना करें। जो समय आपको आज मिला है, वो कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें। तो दोस्तों, अपने समय को बर्बाद ना करके आज ही अपने काम में जुट जाएं, अपने लक्ष्य, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पाने में अपने समय को लगाएं और उसमें एकदम जुट जाएं, ताकि आपको भी औरों की तरह सफलता मिले। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।